सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माहौल उतना ही गर्म है, ठीक वैसे जैसे चुनावों में गर्म होता है। योगी आदित्यनाथ तो मिशन मोड में ही है, प्रचार कर रहे हैं। 10 में से 6 सीटों पर वो पहले ही प्रचार कर चुके हैं। इस बार कानपुर के सीसामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने लाल टोपी से लेकर लाल इमली को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं की कुंडली खोली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की टोपी लाल है, लेकिन उनके नेताओं के कारनामे काले हैं। अखिलेश यादव ने भी योगी पर करारा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वो इससे चिढ़ते हैं। प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। योगी के आरोपों के कुछ घंटों के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। अखिलेश यादव ने ना मोहित खान के बारे में कुछ कहा, ना नवाब सिंह यादव पर कोई टिप्पणी की, बस कुछ बोले तो वो लाल रंग और काले रंग को लेकर बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग का मिलन का प्रतीक होता है, जिनके जीवन में प्रेम मिलन मेल मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग से दुर्भावना रखते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने लाल रंग को दैवीय शक्तियों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्हें अपनी शक्ति ही बड़ी लगती है वही लाल रंग से चिढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने काले रंग को लेकर भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि पश्चिमी देशों में काले रंग को नकारात्मकता से जोड़ा जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में काला रंग सकारात्मक होता है, इसलिए छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काले रंग का टीका लगाया जाता है। अभी उपचुनाव का ऐलान होना बाकी है, अभी से ये आलम है। आप कल्पना ही कर सकते हैं कि चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद योगी और अखिलेश यादव में कितनी तीखी जुबानी जंग होने वाली है। वैसे दोनों के बीच जुबानी जंग तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही जारी है। योगी ने हाल ही में बांग्लादेश पर जब हिंदुओं पर हमले के बाद ये कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अखिलेश यादव ने योगी को एक नसीहत दी कि वो केंद्र सरकार के काम में दखल ना दें। योगी ने लखनऊ में छेड़खानी का मुद्दा यूपी विधानसभा में उठाया था। उन्होंने कहा कि आरोपियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। तो अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं के बचाव में सामने आ गए और उसे क्लीन चिट दे दी थी। और इसी तरह जब कन्नौज में सपा नेता रेप की कोशिश में पकड़े गए तो योगी ने इसे समाजवादी पार्टी का कन्नौज मॉडल बताया था। कन्नौज को हेडलाइन में लाने के लिए धन्यवाद, अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। योगी ने अपनी रैली में एक और लाल शब्द का इस्तेमाल किया, इसका संबंध कानपुर की मशहूर फैक्ट्री से था। योगी ने कानपुर की लाल इमली फैक्ट्री का जिक्र किया और कहा कि बंद हो चुकी यह फैक्ट्री कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक की निशानी है, लेकिन उनकी सरकार इसे चालू करेगी। कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों,
कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। लाल टोपी वाले बयान पर अभी अभी अखिलेश यादव ने योगी का मजाक उड़ाया। अखिलेश यादव ने विवादास्पद बयान दे दिया है, सुनिए। चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं, जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का। हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिर क्या नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है।